एनएमटीवी को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाएं मुंबई, नवी मुंबई एवं बॉलीवुड की ताजा तरीन खबरें। पिछले सप्ताह पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर एवं विधायक गणेश नाइक के बीच जो बैठक संपन्न हुई उसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा संपन्न हुई, जिसमें विधायक गणेश नाइक ने कहा कि जिन लोगों ने टेस्टिंग करवाई है उन लोगों के टेस्टिंग रिपोर्ट आने में 5 से 7 दिन का समय लग रहा है एवं तब तक अगर मरीज पॉजिटिव हुआ तो वो अन्य लोगों को बीमारी फैलाता है या फिर उसकी खुद की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तो बऱ्याचशा लोकांना गुंडा रोजगार आणि तो नंतर रिपोर्ट येतो पॉझिटिव्ह। मधल्या काळात त्याने बऱ्याचशा लोकांना म्हणजे पॉझिटिव्ह केलेलं असतं, म्हणून ही यंत्रणा आहे ही जरा अपडेट करणं फार गरजेचं आहे। विधायक गणेश नाइक द्वारा किए गए सूचना पर अमल करते हुए पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर ने भी इस बात को माना कि कई निजी लैब द्वारा रिपोर्ट मिलने में विलंब हो रहा है, जिस कारण कोरोना बाधित मरीजों के इलाज में विलंब हो रहा है और इसी वजह से मरीजों की हालत भी बिगड़ती जा रही है। इसी बात को अब गंभीरता से लेते हुए पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर द्वारा सभी निजी लैब के प्रमुखों को ये आदेश दिए गए हैं कि मरीजों का सैंपल लेने के बाद 24 घंटे के भीतर उन्हें रिपोर्ट दिया जाए ताकि पॉजिटिव आने वाले मरीजों का तुरंत इलाज किया जा सके। आगे उन्होंने ये भी कहा कि नवी मुंबई में टेस्टिंग का प्रमाण बढ़ाया गया है। पहली लहर में जहां 3000 टेस्टिंग किए जाते थे अब वो प्रमाण बढ़कर 7800 किया गया है। पालिका आयुक्त द्वारा महानगर पालिका क्षेत्र के सभी कोविड टेस्टिंग लैब से ये भी कहा गया है कि उनकी रोजाना जितनी क्षमता है उतने ही सैंपल टेस्टिंग के लिए लिए जाए ताकि 24 घंटों में मरीजों को रिपोर्ट प्राप्त हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, NMTV न्यूज़।